राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, महत्व और अनंत सूत्र बांधने के मंत्र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अनंत चतुर्दशी की कथा भी आपको जानने को मिलेगी, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, जानिए सभी जानकारियों को। आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बांह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए हैं, जिनमें भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। अग्नि पुराण के अध्याय 1 में इसका विवरण दिया गया है। व्रत करने वाले को धान के एक प्रसर आटे से रोटियां या पूरी बनानी होती है, जिनकी आधी वह ब्राह्मण को दे देता है और शेष स्वयं प्रयोग करता है। तो आइए जानते हैं कि इसका मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इसकी जो अनंत पुण्य देने वाली उत्तम व्रत कथा क्या है। आइए जानते हैं कि व्रत की महिमा और इसका मंत्र क्या है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा की जाती है। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुकू रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई भी सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर और हल्दी के रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। यूं तो यह व्रत नदी तट पर किया जाना चाहिए और हरि की लोक कथाएं सुननी चाहिए, लेकिन संभव न होने पर घर में ही स्थापित मंदिर के सामने हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है कि हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप में ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद इस मंत्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग या गले में धागा बांधकर या लटकाकर जिस पर मंत्र पढ़ा गया हो, व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है। यदि हरि अनंत हैं तो 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों की प्रतीक के रूप में मानी गई हैं। अनंत चतुर्दशी पर कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की कथा भी सुनाई जाती है। कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों का ही रूप है और वे काल हैं, जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नवेद के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक को की प्राप्ति कर सकता है। दिन भगवान विष्णु की कथा होती है, उसमें उदय तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका बल
बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसा इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की भक्ति का दिन है। इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है। ये जानते हैं कि अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात दो मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद दो मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्म काल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाए तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में पूजा को संपन्न करें। मध्याह्न के का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक माना जाता है। ये जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि नियमों से निवृत्त निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु की तस्वीर को सामने में रखें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम केसर और हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते हैं तो बाजार से खरीदकर ले आएं। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत का पाठ किया जाए तो पाठ करने वाले की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन करें तथा ध्यान करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नवेद आदि से पूजन करें। पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन किया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांध लेती है। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपने दाहिनी भुजा पे बांध ले। जब आप पूजा संपन्न कर लें तब यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन पुत्रादि की कामना से भी किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके करना चाहिए। अनंत की 14 गांठें 14 लोगों का प्रतीक मानी गई हैं। उसमें अनंत भगवान भी विद्यमान रहते हैं। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। यही कारण है कि इस दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन भी प्रायः किया जाता है, जिसमें सत्यनारायण की कथा के साथ साथ अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। आइए जानते हैं कि अनंत सूत्र बांधने का मंत्र क्या है। तो मंत्र इस प्रकार है। आप जब इसको बांधें, घर में जब आप अनंत सूत्र बांध रहे हो तो इस मंत्र को अवश्य पढ़ लें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुभ्युधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजय स्वहे अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। प्रकार अनंत सूत्र को बांधने के पश्चात आप कथा को अवश्य पढ़ें या सुने। व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज फिर से उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने इस व्रत की महत्ता को समझाने के लिए उन्हें एक कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। वही कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं कि कथा क्या है, शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई।
पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमन ने करकशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय करकशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए, क्योंकि करकशा का व्यवहार अपने सौतेली बेटी और दामाद के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने को लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं, तो इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से दौरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बातें बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा, तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने के से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए व चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। पूजा कर लें, मंत्र पढ़ लें और जब अनंत सूत्र धारण कर लें उसके बाद व्रत कथा को सुने और व्रत कथा को सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। भगवान अनंत की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे, यही हम सबसे आशा करते हैं। आप सभी को स्पिरिचुअल सोर्स चैनल की तरफ से अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।